शासन के निर्देश के क्रम में जनपद को सिंगल यूज पॉलिथीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन लगातार अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम की मौजूदगी में लगातार कार्रवाइयां सुनिश्चित की जा रही हैं। शनिवार को भी प्रवर्तन दल की टीम ने लगभग 1.5 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त किया है। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, इससे हमारी नालियां चोक होती हैं और जल जमाव व गंभीर बीमारियों की समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके शासन के निर्देशानुसार नगर निगम गोरखपुर के द्वारा समय समय पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। विगत 10 दिनों में हमारी प्रवर्तन दल ने बहुत कार्यवाही की है, अपर नगर आयुक्त हमारे निरंकार सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे कर्नल साहब के नेतृत्व में अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ की गई हैं। पिछले हफ्ते ही हमने लगभग 2 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा था, जिसमें हमने 50,000 का चालान भी उनसे वसूला था। आज एक हमारी प्रवर्तन दल ने एक लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा है और इस प्रवर्तन दल के द्वारा ये कार्रवाइयाँ निरंतर जारी भी रहेंगी आगे, और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जिस तरीके का अभियान हम चला रहे हैं आगे भी जारी रहेगा। सभी लोगों से अपील हम करते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये सिंगल यूज प्लास्टिक ही है जो हमारे गंदगी को स्थायी बनाती है, जो हमारी नालियों को चौक करती है और जिससे ना केवल प्रदूषण होता है बल्कि अन्य भी जल जनित बीमारियों को भी न्योता मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए, तो इसी क्रम में हमारे प्रवर्तन दल ने आज ये अभियान चलाया है और निरंतर ऐसे अभियान चलता रहेगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो प्लास्टिक का उत्पादन करेगा, बिक्री